हेलो एवरीवन, नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है दैट इज़ अ गॉल्गी एपरेटस. सो डिस्कवरी ऑफ द गॉल्गी एपरेटस और वी कैन से गॉल्गी बॉडीज इज बाय नोबेल लॉरिएट कैमिलो गॉल्गी इन 1898 इन द सेल्स ऑफ नर्व सेल्स ऑफ द आउल और एंड कैट. So now we discuss the location of this apparatus or Golgi bodies. Actually, they are present in the cytoplasm of the cell and very near to the endoplasmic reticulum. All kinds of eukaryotic cells bear the Golgi bodies, but exceptions are again always there. Mammalian RBCs and sperm cells and sieve tube cells of the plants, they are not bear the Golgi bodies, or you can say Golgi bodies are absent in these kind of the cells. Now comes to the structure of the Golgi apparatus. Here you can refer the figure 9.1. In this figure, there are three phases of the Golgi bodies. First phase is a trans region, then median region, and last one is a cis region. जो trans region है वो behave करेगा concave mirror की तरह, और जो cis region है वो convex mirror की या shape की तरह होता है. ठीक है, तो इसमें आगे अगर स्ट्रक्चर में देखें तो देयर आर टू थ्री अगेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही है. दो तीन चीज़ें मिलके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं. फर्स्ट वी डिस्कस द सिस्टर्ने. अगेन दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है ये. आपस में क्या पैरेलली अरेंज्ड हैं. 200 to 300 एम स्ट्रॉन्ग एक सिस्टर्ने का जो डायमीटर. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद इमीडिएट उसके ऊपर सिस्टर्ने के नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है टिब्यूल्स. टिब्यूल्स में क्या है बेटा, दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, नेटवर्क फॉर्म करते हैं, हाईली ब्रांच्ड होते हैं. थर्ड स्ट्रक्चर आ जाता है वेसिकल्स. वेसिकल्स दे आर बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, वैक्यूल लगता है जैसे बाहर से देखें बॉल की तरह होते हैं. दे आर एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टिब्यूल्स. सो दीज थ्री स्ट्रक्चर्स सिस्टर्ने, टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स फॉर्म द गॉल्गी बॉडी. नेक्स्ट आ जाता है ओरिजिन ऑफ द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द गॉल्गी बॉडीज. केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें, जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सैंडविच मॉडल की तरह ही है. जो हम लोग डिस्कस करते हैं सैंडविच मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें क्या रहता है, लिपिड फॉस्फोलिपिड बायलेयर रहती है. और क्या होते हैं, देर आर टू काइंड ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट. So other than protein and phospholipid bilayer, there are various kinds of enzymes are also present. For example, ATPase, thymine phosphatase, glycosyl transferase, and glucose 6 phosphatase. These kinds of the enzymes are present in the plasma membrane. So actually it is a chemical composition of the Golgi body. Now comes to the origin of the Golgi body. Actually, they are originated from the smooth endoplasmic reticulum. So next आ जाता है last जो है हमने discuss करना है इस organelle में functions. They are very important. Functions में first आ जाता है formation of the secretory vesicles. Secretory vesicles क्या होते हैं, जो vesicles हैं they are secretory in nature. They secrete the various kinds of enzymes. Other than secretory vesicles, they also synthesize the Golgi bodies also synthesize the carbohydrates, glycoproteins and lipoproteins. ठीक है, ये सब चीज़ें ये बनाती हैं. ठीक है, गॉल्गी बॉडीज. आगे क्या है, एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन.
जब भी सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करना होता है अपनी लिमिट से जहाँ श्रिंक होना होता है, तो ये क्या करते हैं जो गॉल्गी बॉडीज हैं, क्योंकि इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर है, तो उसमें ये क्या है डोनेट कर देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा सा प्लाज्मा, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, तो उससे क्या होता है सेल एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, तो ये सब प्रोसेसेस के थ्रू ये एडिशन करती है सेल मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन। मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर आप देख रहे हो कि ये गॉल्गी बॉडी है, ये लाए करती है बिटवीन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, तो अगर जो इसका पार्ट गॉल्गी बॉडीज का पार्ट टूवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर है, बट इन केस ऑफ द जो फेस गॉल्गी बॉडीज का टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल है, तो उसमें जो स्ट्रक्चरली दोनों सिमिलर हैं, तो इसमें जो जो पार्ट जो फेस गॉल्गी बॉडी का ईआर की तरफ है वो, और जो फेस गॉल्गी बॉडीज का प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, आपस में दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस होगा, तो ये क्या है मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन है। विद इन अ वन स्ट्रक्चर या विद इन अ वन बॉडी दो काइंड टू काइंड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टू टाइप्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट, सो इसे कहते हैं हम मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत ही पिक्लियर सा करेक्टर है इस इस बॉडी का, गॉल्गी बॉडीज का। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल, सेम जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म करता था या सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में हेल्प करती है, सेम वैसे ही ये सेल वॉल प्लांट्स में फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। आगे है फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, सिंपल वेसिकल्स होते हैं बट कंटेन द नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो उसको फॉर्मेशन में भी ये फॉर्म हेल्पफुल होती है गॉल्गी बॉडीज। एक्रोसोम फॉर्मेशन, एक्रोसोम कौन सा रीजन होता है जो स्पर्म होता है उसका जो टिप होती है हेड होता है वो क्या होता है एक्रोसोम होता है। एक्चुअली उसमें क्या होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट उस रीजन में, तो वो रीजन जो स्पर्म का है वो भी कहाँ से ओरिजिनेट होता है गॉल्गी बॉडीज से। नेक्स्ट तो है फॉर्मेशन ऑफ द योक एंड कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, जो एग्स हैं या सेल है उसका जो योग पार्ट है वो भी सारा ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है गॉल्गी बॉडीज से। स्टोरेज ऑफ सिक्रीशंस, ठीक है गॉल्गी बॉडीज है जो टेम्पररी जो है अपने सिक्रीशंस को या प्रोटीन या लिपिड्स को या एंजाइम्स को टेम्पररी स्टोर करके रख सकती है, ये भी उसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो लोकेशन ऑफ एंजाइम्स अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो ये क्या है अपनी बॉडी में देर आर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल एंजाइम्स आर प्रेजेंट फॉर द वेरियस प्रोसेसेस ऑफ द सेल, सो दैट्स इट इज ऑल अबाउट द गॉल्गी अपरेटस।